अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आरिफ नूर है और आप देख रहे हैं नूर प्राइड चैनल। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, तो मुझे सपोर्ट भी करना ना भूलिएगा। तो मेरी आज की वीडियो भी, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको अपनी गाड़ी के बारे में बताऊंगा कि मैंने ये कब ली, कितने की ली, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी और अब इसमें क्या मसला चल रहा है और आगे मैं इसका क्या करने वाला हूँ। बेसिकली मेरे पास है होंडा सिविक 96 मॉडल। आप होंडा सिविक 96 मॉडल जो कि जिसको EKB कहा जाता है, आप इसे बखूबी वाकिफ होंगे। इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कार ऑफ पाकिस्तानीज इन टर्म्स ऑफ मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के हवाले से पाकिस्तानियों की फेवरेट तरीन कार है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स शेप। जब ये लॉन्च हुई थी 96 में, वैसे तो 92 में डॉल्फिन शेप आ गई थी, बड़ी प्यारी गाड़ी थी, लेकिन जो 96 शेप था इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। ये अपने दौर में इसके बारे में कहा जाता था कि ये अपने वक्त से आगे की गाड़ी है। इसका बहुत प्यारा स्लिम एंड स्लीक डिजाइन, इवन आज भी इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी ये गाड़ी बहुत प्यारी है। अब अगर इसको प्रॉपरली मॉडिफाई किया जाए और रीपेंट किया जाए, इसको थोड़ा सा वेल मेंटेन रखा जाए, तो ये बहुत प्यारी गाड़ी है। ऐसा फील भी नहीं होता कि ये इतनी पुरानी गाड़ी है। ये मेरी भी फेवरेट गाड़ी है। तो अब आते हैं कि ये गाड़ी मैंने कैसे खरीदी, क्यों खरीदी। बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि गाड़ियां आजकल जो नई गाड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी हैं, सुपर एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। इवन मेहरान जैसी हल्की गाड़ी भी 10 लाख से ऊपर की है। तो मेरे जैसे एक सैलरीड पर्सन के लिए नई गाड़ी, जीरो मीटर गाड़ी खरीदना बहुत मुश्किल है। तो 2015 की बात है, मेरे पास बजट था 6 लाख का और क्योंकि मेरी फैमिली है तो मैंने सोचा कि मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी हो। मैंने पुरानी गाड़ियां भी देखी लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, शेप वाइज भी और बाकी भी उनमें बड़े मसले। तो मुझे ये गाड़ी पसंद आई, 96 सिविक। ये मुझे 6 लाख की मिली अपने कजन से, उसने बड़ी मेंटेन रखी हुई थी, ओरिजिनल कंडीशन में, नॉन एक्सीडेंटेड। इसके बारे में बताता चलूं कि ये EFI गाड़ी है, इसके अंदर D1656 VTEC सोहॉक VTEC 1.6 लीटर इंजन आता है जो इसका ओरिजिनल इंजन है। डी सीरीज इंजन वन ऑफ द टफेस्ट इंजन माने जाते हैं होंडा के जो हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर वाला इंजन है इसमें, और नो डाउट कि ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है लेकिन बहुत टफ इंजन है। तो हुआ ये कि 2017 में इस इंजन का जो क्रैंक शाफ्ट था वो टूट गया अनफॉर्चुनेटली। मैंने मैकेनिक को गाड़ी चेक करवाई, उसने कहा कि भाई इस पर 45,000 का खर्चा आएगा। तो साथ ये भी मशवरा दिया कि पुरानी इंजन पे पैसे लगाने की बजाय आप इसकी नई हेड असेंबली रखवा दें, जैपनीज हेड असेंबली। मैं बताते चलूँ ये मुकम्मल इंजन नहीं होता, सिर्फ इंजन ब्लॉक जो होता है वो रखा जाता है, बाकी चीजें आपकी वही पुरानी रहती हैं। तो उस दौर में फिर मैंने अपने दोस्त से भी मशवरा किया, उसने मुझे कहा कि आप हेड असेंबली ना रखवाओ, आप पूरा इंजन चेंज करवा दो अलोंग विद वायरिंग ECU वगैरह सारा कुछ, उसका आपको फायदा होगा वरना आप तंग होते रहेंगे। मैंने अनफॉर्चुनेटली उसकी बात नहीं मानी, गलती मैंने ये की कि मैं मैकेनिक की बातों में आ गया बिलालगंज में। तो उसने मुझसे 75,000 चार्ज किए, हालांकि एक हेड असेंबली जो थी 30-35 हजार से उसकी ऊपर की वर्थ नहीं थी, क्योंकि इसका जो अपना इंजन था वो VTEC इंजन था और जो हेड असेंबली डाली गई वो नॉन VTEC हेड असेंबली D16Y4 और वो भी ऑस्ट्रेलियन। इसमें कोई शक नहीं था कि हेड असेंबली साफ थी और फ्यूल माइलेज भी सही थी, पावर भी मुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई। VTEC थोड़ा सा अच्छा होता है इंजन, जाहिर है कि उसमें थोड़ा सा पावरफुल होता है, परफॉर्मेंस वाइज अच्छा होता है, नॉन VTEC थोड़ा सा कम होता है, लेकिन फ्यूल वाइज जो नॉन VTEC है ये ज्यादा माने जाते हैं। तो बात वही हुई कि जिस चीज का डर था कि मुझे इसने तंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि हेड असेंबली मैंने कोई और डाली, इसकी वायरिंग ऑलरेडी पुरानी थी बहुत ज्यादा और ECU भी इसका चेंज था, तो बहुत ज्यादा मुझे मसाइल रहे हैं। कभी इसके RPM खराब हो जाते, कभी शॉर्टेज हो जाती, कभी क्या
तो मैं उस वक्त मैंने सोचा कि काश मैं अपने दोस्त की बात मान लेता और मैं इसके अंदर पूरा इंजन चेंज करवा देता मुकम्मल। तो इससे ये आपको पता चलेगा कि अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, इंजन पुराना है और वो खराब हो जाता है, तो बजाय उस पर पैसे खर्च करने के, आप उसका पूरा इंजन, हेड असेंबली नहीं, हेड असेंबली चेंज नहीं करवानी, आपने मुकम्मल इंजन चेंज करवाना है, तो आप फायदे में रहेंगे। पुराना इंजन जो होता है ना, देखिए उस पर खर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। इवन इंजन नया ही क्यों ना हो, अगर वो खराब हो जाए, एक दफा वो रिपेयर हो जाए, तो उसकी वो बात नहीं रहती, वो चीज नहीं रहती, बड़े फिर मसले आने शुरू हो जाते हैं। बेहतर है कि अपने इंजन की हिफाजत करें, ऑयल फिल्टर टाइम पे चेंज करवाया करें, और ऐसी नौबत ही ना आने दे कि आपका इंजन जो है ना वो खराब हो जाए, हीट अप हो जाए, ओवर हीट हो जाए। तो अब इसका मसला ये है कि ये हेड असेंबली हो गई है खराब, इसकी जो पिस्टन है वो खराब हो गई है, रिंग पिस्टन लीक हो चुके हैं, और इसका अभी मैंने एस्टिमेट लगवाया 18 से 20 हजार का खर्चा आ रहा है। तो मैं तो इसके ऊपर खर्चा नहीं करने वाला, मैं इसका करने लगा हूँ इंजन चेंज। और इस दफा मैंने मजर ऑटोज, बिलालगंज के बड़े वेल रिप्यूटेड इम्पोर्टर ऑफ जैपनीज इंजन्स, वो काम करते हैं, उन्होंने कहा कि आप इसके अंदर जो है ना 2006 सिविक का इंजन डलवाएं मुकम्मल, पुराना वाला इंजन देके, सारा जो मेरा पुराना वाला इंजन है उनको मैं दे दूंगा, वो इसके अंदर नया इंजन, मुकम्मल इंजन इंस्टॉल कर देंगे, जिसे सीएफ वाला इंजन कहा जाता है। कार लवर जो है वो इसको जानते होंगे, सीएफ इंजन किसको कहते हैं। तो 2006 सिविक का इसके अंदर इंजन डालूंगा मुकम्मल, और साफ सुथरा इंजन वारंटी के साथ, और ये मेरी गाड़ी मैनुअल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऑटो में कन्वर्ट करवा दूँ। ऑटो में मैं इसलिए कन्वर्ट करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि घर की लेडीज इसको इजिली ड्राइव कर सकती हैं, ऑटो इंजन, और सिटीज में वैसे भी ऑटो गाड़ी जो है ना ज्यादा फिजिबल है। मुझे तो खुद मैनुअल पसंद है, मैनुअल गाड़ी का एक अपना ही मजा है, अपना ही शशका है। बाकी यह है कि इंशाल्लाह मैं जब इसका इंजन चेंज करवाऊंगा तो आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूंगा, इस पे कितना खर्चा आया। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उन्होंने मुझे जो एस्टिमेट बताया है वो है 1.5 लाख का, 1.5 लाख के अंदर अंदर मुकम्मल इंजन मेरा इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक गियर के साथ। उसमें तीन बंदे इन्वॉल्व होंगे, डेंटर, मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन, तीनों अपना अपना काम करेंगे, उनका खर्चा खुर्चा डाल के राउंड अबाउट 1,50,000 का खर्चा आएगा। तो ये उन्होंने मुझे एक रफ सा एस्टिमेट दिया है। अब जाहिर है कि महंगाई भी हो गई है, हो सकता है कि 10-15 हजार ऊपर ही लग जाएं। और मुझे उन्होंने ये भी मशवरा दिया है, क्योंकि इसका जो अपना इंजन है पुराना वाला, वो है डिस्ट्रीब्यूटर वाला, डिस्ट्रीब्यूटर वाला इंजन जो होता है ना, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें जब प्रॉब्लम आती है तो थोड़ी सी आपको ये चीज तंग करती है, स्पेशली जो इलेक्ट्रिशियन है वो थोड़ा सा तंग होते हैं इससे, क्योंकि इतनी इजीली जो है ना इसकी सेटिंग नहीं हो पाती, और इसकी जो है ना इसका फॉल्ट इतनी आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि एक ईसीयू अटैच होता है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर से फर्दर डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे इंजन को कंट्रोल करना होता है। जबकि जो नए इंजन है जो कि डिस्ट्रीब्यूटरलेस होते हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सिंपल उसको स्कैन करते हैं, और स्कैनर से ही आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्ट फॉल्ट कहाँ पे है, कोई सेंसर काम नहीं कर रहा, या शॉर्टेज है, कोई अर्थ का मसला है, तो वो इजीली जो है ना मेंटेन होते हैं, और उनमें हेडेक कम होती है। तो पुराने जो ये डिस्ट्रीब्यूटर वाले इंजन है ना, ये थोड़े से इस पर प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, मतलब फॉल्ट आसानी से ट्रेस आउट नहीं हो पाती, और इसके ज़रा खर्चा भी ज़्यादा होता है, पैसे भी ज़्यादा लेते हैं मैकेनिक। तो जब भी डलवाएं, अगर आपके पास यही स्पेसिफिक मॉडल है, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि जो मेरे दोस्त भाई या बहनें जिनके पास ये वाली गाड़ी है होंडा सिविक 96 2001 मॉडल, और उसका इंजन पुराना हो चुका है, वायरिंग खराब है, तो अव्वल तो वो हेड असेंबली ना चेंज करवाएं, वो मुकम्मल इंजन चेंज करवाएं। और होंडा 2004 से 2006 में से कोई भी आपको इंजन मिल जाए, 2006 का ज़रा फिजिबल है, वो डलवाएं कॉइल वाला डिस्ट्रीब्यूटर लेस, और इंशाल्लाह उससे फिर आपको बहुत फायदा होगा और आप तंग नहीं होंगे। तो जब मैं इंशाल्लाह इसका इंजन डलवाऊंगा तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा मैंने कहाँ से डलवाया, कितने का डला, ताकि जो दोस्त भाई इंजन लेना चाहें तो उनको भी कम अज़ कम आइडिया हो सके। तो मेरी आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपका दिल माने, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।